हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गनी खान चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी GKCIET रिक्रूटमेंट फॉर 2024 फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट, यहां पर शिक्षक और गैर शिक्षक पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। शिक्षण पदों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और गैर शिक्षक में अधीक्षक, डेटा ऑपरेटर, जूनियर सहायक की पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करिए जा रहे हैं। लेट्स सी द डिटेल नोटिफिकेशन, बट इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ विजिट एटलीस्ट वंस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाली है। सो मालदा पश्चिम बंगाल के लिए यह विज्ञप्ति निकाली गई है, यानी खान चौधरी इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग एंड प्रौद्योगिक संस्थान के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। इसकी जॉब लोकेशन रहने वाली है नारायणपुर, जिला मालदा, पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आ जाएंगे www.gkciet.ac.in पर। इट इज़ अ सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तहत CFTI के द्वारा प्रमाणित। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के थ्रू ये इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर डिटेल दी हुई है, अपडेट्स, रिक्रूटमेंट सर्कुलर्स ये दिया हुआ है, और वेबसाइट में इस इंस्टीट्यूट का बताया गया है, जानकारी दी गई है। सो यहाँ हम आगे स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल अप करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में जानकारी दी हुई है। यहाँ पर पैनल बने हुए हैं जिसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट है, एकेडमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशंस, डिपार्टमेंट्स, फैसिलिटीज़, स्टूडेंट जोन्स, इंफॉर्मेशन सेंटर एंड रैंकिंग, कैरियर्स, कॉन्टैक्ट्स। इसके अकॉर्डिंग यहाँ हमें मिलेगा रिक्रूटमेंट की एडवर्टाइजमेंट। लिंक पर क्लिक करते ही PDF ओपन हो जाएगा। यहाँ दिया है एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2024, डेट 16 February 2024 को यह नोटिफिकेशन निकाला गया है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। यहाँ पे फैकल्टीज़ की पोजीशंस दी हुई हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की प्रोफेसर की है एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन ओपन फॉर प्रोफेसर, वन पोस्ट ऑफ OBC कैंडिडेट्स। फॉर फिजिक्स स्पेशलाइज्ड ओपन SC कैटेगरी प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अनरिजर्व्ड की एक कैटेगरी रखी गई है, यहाँ पर एक पोस्ट रखी गई है। सो यहाँ पर बेसिकली चार पोस्ट दी हैं फैकल्टी पोजीशंस के लिए। आगे देखते हैं अदर नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए, सुपरिटेंडेंट ऑन डेप्यूटेशन और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, नंबर ऑफ पोस्ट इज 1 फॉर अनरिजर्व। देन सेकेंड है डेटा ऑपरेटर ऑन डेप्यूटेशन और कॉन्ट्रैक्ट, नंबर ऑफ पोस्ट इज 1 फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। आगे दिया है जूनियर असिस्टेंट फॉर 1 पोस्ट अनरिजर्व। पे स्केल्स दिए हुए हैं, प्रोफेसर की पे लेवल 7th का रहेगा यहाँ पे सारे कैटेगरीज में। लेवल 14 दिया है, एसोसिएट प्रोफेसर की लेवल 13A दिया हुआ है, सुपरिटेंडेंट के दिया है लेवल 6 एंड डेटा ऑपरेटर के लिए लेवल दिया है 6 एंड जूनियर असिस्टेंट के लिए दिया है लेवल 2। डेटा ऑपरेटर के लिए 35,400 से 1,12,400 पर 7th CPC रहेगा एंड जूनियर असिस्टेंट के लिए 19,900 से 63,200 रुपीज़ पर 7th CPC रहने वाला है। आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पर और भी डिटेल्स दी हुई हैं। डेटा ऑपरेटर और जूनियर असिस्टेंट मेनली फोकस्ड है इस वीडियो में, यहाँ पर हम सारी डिटेल्स को कवर करेंगे। आगे यहाँ दिया हुआ है 2 पोस्ट सुपरिटेंडेंट एंड डेटा ऑपरेटर ऑन डेप्यूटेशन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अप टू 5 years, यहाँ पर दिया हुआ है 5 साल तक के लिए। क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस एंड एज लिमिट बताए गए हैं। प्रोफेसर EE एंड CSE के लिए PhD डिग्री मांगी गई है या फिर बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री विद रिलेवेंट ब्रांच, या आपके पास होना चाहिए, इसमें एडिशन में दिया है 10 ईयर एक्सपीरियंस इन टीचिंग रिसर्च इंडस्ट्रीज़,
और मांगा गया है एटलीस्ट 60 रिसर्च पब्लिकेशंस एट लेवल ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर्स, या फिर मांगा गया है एटलीस्ट 10 रिसर्च पब्लिकेशन एट लेवल ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर इन SCI जर्नल GCE UGC AICTE। प्रोफेसर के लिए PhD इज प्रेफरेबल विथ UG एंड PG रिलेवेंट सब्जेक्ट। देन आगे दिया हुआ है यहाँ पर प्रोफेसर के लिए ही अदर फील्ड के लिए फिजिक्स के लिए दिया है एन एमिनेंट स्कॉलर हैविंग अ PhD डिग्री एंड मिनिमम 10 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन यूनिवर्सिटी कॉलेज एज असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, या फिर आपके पास होना चाहिए PhD डिग्री इन रिलेवेंट अप्लाइड डिसिप्लिन फ्रॉम एनी एकेडमिक इंस्टीट्यूट नॉट इंटेंडेड इन अवर इंडस्ट्री हु हैव मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज इन कंसर्न सब्जेक्ट एंड 10 ईयर एक्सपीरियंस। तो यहाँ दोनों प्रोफेसर के लिए आपको PhD डिग्री विथ रिलेवेंट सब्जेक्ट मांगा गया है। आगे देखते हैं हम, यहाँ दिया हुआ है PhD डिग्री विथ रिसर्च स्कॉलर्स, या फिर आपके पास जर्नल्स होना चाहिए। तो जो PhD होल्ड कर रहे हैं या जो PhD होल्डर्स हैं उनको इस बारे में जानकारी रहने वाली। नेक्स्ट यहाँ दिया है एसोसिएट प्रोफेसर फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट, अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विथ PhD डिग्री, मास्टर डिग्री विथ 55% और इक्विवेलेंट डिग्री, मिनिमम 8 ईयर एक्सपीरियंस। सुपरिटेंडेंट के लिए दिया है फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, या फिर होना चाहिए मास्टर डिग्री विथ 50% मार्क्स। डिज़ायरेबल मांगा गया है यहाँ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ई ऑफिस सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग, एंड एज लिमिट मांगी गई है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। सुपरिटेंडेंट की पोस्ट डेप्यूटेशन और कॉन्ट्रैक्ट दोनों पे बेसिस रहेगी। जूनियर असिस्टेंट एंड डेटा ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। यहाँ डेटा ऑपरेटर ऑन डेप्यूटेशन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहने वाले हैं। यहाँ दिया है ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल, स्टेट और सिमिलर ऑर्गेनाइज सर्विस, सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट में जो रहने वाले हैं उनके डेप्यूटेशन के लिए है। और एसेंशियल मांगा गया है BCA और इक्विवेलेंट फर्स्ट क्लास डिग्री। एज लिमिट है 35 ईयर्स। जूनियर असिस्टेंट के लिए 10+2 मतलब हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी मांगा गया है। 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड एंड कंप्यूटर बेसिस नॉलेज एंड स्प्रेडशीट, प्रोफिशिएंट इन अदर कंप्यूटर एंड स्टेनोग्राफी स्किल्स नॉट एक्सीडिंग 27 ईयर्स। यहाँ दिया है पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर एंड जूनियर असिस्टेंट आर अंडर दी नॉन टीचिंग स्टाफ्स। यहाँ दी हुई है लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन इज 18 मार्च 2024 मिडनाइट, एंड लिंक दी हुई है https://job.ckcieet.ac.in/। सो आपको यहाँ पर 18 मार्च के पहले अप्लाई कर देना है इन पोस्ट के लिए इफ़ यू आर एक्सेप्टेबल फॉर दिस टीचिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देन आगे दिया है सर्विस कंडीशन, जनरल इंस्ट्रक्शंस, फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज होने चाहिए, फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है आपको, इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा फर्स्ट, देन उसके बाद आप वन वैलिड कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, एक्टिव नंबर्स देने होंगे आपको ताकि जिससे वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकें। एप्लीकेशन फ़ीस दी है जनरल OBC कैंडिडेट्स के लिए 1500 रुपीज़ वाइल सबमिटिंग द एप्लीकेशन ऑनलाइन, एंड SC ST के लिए 500 रुपीज़। PWD एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए फ्री होने वाली है, ये फॉर्म फिल करना फ्री रहेगा। सो फीमेल कैंडिडेट्स फिल कर सकती हैं इजीली इस फॉर्म को। आगे दिया है चार्जेस में अप्लाई फॉर ओनली पोर्टल, ओके। देन आगे दिया हुआ है सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, एप्लीकेशन फॉर्म्स, इसकी डिटेल्स दी हुई हैं। फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पर न्यू पेज ओपन होने के बाद वी हैव टू रजिस्टर, साइन अप या लॉग इन करेंगे। अगर आप साइन अप करेंगे तो यूज़र आईडी शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ लोअर केस, अपर केस एंड नंबर, यूज़र आईडी, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, देन आई एग्री एंड सबमिट द साइन अप प्रोसेस। और अगर आप
ऑलरेडी साइन अप कर चुके हैं तो आप लॉग इन कर सकते हैं यूजिंग योर अकाउंट, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू साइन इन कर सकते हैं। इफ़ यू फॉरगेट योर पासवर्ड देन फॉरगेट योर पासवर्ड ऑप्शन बटन पर क्लिक करके आप इसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 18 मार्च 2024 दी गई है, तो गाइस जल्दी से फॉर्म फिल अप करिए। सो दिस इज़ दी एंड ऑफ वीडियो, वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल विजिट करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू जॉब वैकेंसीज़ के साथ। बाय।